जो अपना घर था वो तो डूब चुका है, उसके बाद जब फिट हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा, वही लकड़ी वगैरह जला रहे हूँ। बच्चों को खारिज हो रही है, उन लोगों को खुजली हो रही है, आंखें खराब हो रही है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। बस हम बोले यहाँ से जल्दी चले जाए, बस कहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट कर दे बस। हाँ, बच्चों को बीमारी हो रही है, आँखों में कोई तकबील हो रही है, कोई किसी को बुखार हो रहा है, राशन पानी नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, किधर रोटी पकाए, क्या करे, कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोगन टीवी और हम लगातार बने हुए हैं जो कि है सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर से, जहां पे शिविर लगे हुए हैं यमुना से जो बाढ़ग्रस्त एरिया से लोग ऊपर आए हुए हैं उनसे। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि सरकार उनके लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही है यहाँ पे? चावल वावल तो मिल रहे हैं, हम लोगों को चावल वावल की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सरकार कहाँ पे जाके बिठा दे, वही जरूरत है हम लोगों को बस। बच्चों को खारिज हो रही है, उन लोगों को खुजली हो रही है, आंखें खराब हो रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के इस पानी की वजह से, यहाँ पे इस गंदगी की वजह से जो है दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, बस हम बोले यहाँ से जल्दी चले जाएं, बस कहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट कर दे, बस यही चाहते हैं सरकार से, बस और कुछ भी नहीं चाहते। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन आया कि कहीं और अगर उनके पास जगह होती तो आपको यहाँ से वहाँ भेजेंगे वो? सरकार के पास कहाँ पे ख़त्म होती, सरकार के पास तो गोदाम भरे हुए हैं। सरकार के पास गोदाम भरे हुए हैं, तो आपके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको बीमारियाँ हो रही हैं, खारिश हो रही है, तो लगातार जहाँ तक मैंने देखा है एनजीओ वाले जो हैं, सर्वे वाले सरकार की तरफ से वो भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे आके, जो चेक कर रहे हैं आपको कि कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है, दे रहे दवाइयाँ, फिर भी दिक्कत है आँखों की, हम लोगों को आँखों की दिक्कत है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कुछ और लोगों से कि उनको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे बारिश है उसकी गंदगी की वजह से बच्चों को दिक्कतें, परेशानियाँ हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। हाँ, बच्चों को बीमारी हो रही है, आँखों में कोई तकबील हो रही है, कोई किसी को बुखार हो रहा है। तो आप सरकार से कुछ और चाहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ और सुविधाएँ हों? हाँ, बहुत तो ऐसे तो बहुत दिक्कत है, कोई सोने का बिस्तर भी नहीं है, सब चले गए पानी के अंदर, ये क्या नाम अपना, ये चारपाई भी नहीं है, ऐसे बैठे हुए नीचे, बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं है, सब पानी के अंदर चले गए। तो जितना भी आपका सामान था आपके घरों का वो सारा पानी में जा चुका है? पानी में जा चुका सब, कुछ भी घर के अंदर नहीं मिला, सब टूट टूट गए। अभी हमारे हालात देख रहा है ऐसी है, हम क्या सामान उठाएंगे, थोड़ा बात आता था सोने वाला वो भी सब चले गए, ऐसे बैठे हुए हैं। कोई लाइट है यहाँ पे आपके? ये लाइट नहीं लगाई, अभी लगा रहे हैं, ये क्या ना जनरेटर, अभी ये पक्का भी नहीं है, ये बुढ़ा बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, कोई इसका देखभाल करनी है, कुछ राशन पानी नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, किधर रोटी पकाए, क्या करे, कुछ नहीं है। तो वैसे तो आपके पास यहाँ बहुत संस्थाएं आ रही हैं जो आपको खाना दे के जा रहे हैं? खाना दे के जा रहे हैं, कोई खाता है, कोई बीमार है, इंसान नहीं भी खा सकता है। हाँ जी, हाँ, वो दिक्कत हो रही है, कोई खा लेता है, कोई नहीं भी खाता। हाँ जी, वो इसके वजह से। हाँ। तो उसके वजह से सिलेंडर चाहिए। हाँ। कोई अपने घर के अंदर चूल्हा हुए, चाय पका ले, कोई बीमार को कोई राशन बना के दे दे, वो नहीं है हमारे पास। तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार को और क्या सुविधाएं देनी चाहिए आपको यहाँ? बस दीदी यही है कि जो ऐसे बूढ़े लोग हैं, जो गरीब, जो कुछ अच्छे हैं कुछ गरीब लोग हैं, उनके लिए इतना ही होना चाहिए, जो दवा दारू है, चारपाई है, और लकड़ी की जलाने के लिए नहीं है तो गैस चूल्हा होना चाहिए, बस यही है। जो अपना घर था वो तो डूब चुका है, उसके बाद जब फिट हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा, वही लकड़ी वगैरह जला रहे होंगे। तो वापस जाने पे तो आपका सब कुछ वहाँ पे अस्त व्यस्त होगा, तो आप फिर से? बस यही तमन्ना लगी हुई है कि सूख जाएगा दोबारा जाएंगे, नहीं तो यहाँ के कब तक गुजारेंगे, सब वहाँ बच्चों की आंखें मोटी हो गई हैं, लाल लाल सी, और तबीयतें भी डाउन सी हो रही हैं, खाने पीने का भी मन नहीं करता है ऐसी चीज़ों में, तो खाना तो बहुत आ रहा है, खा खा के तो बंदा नहीं रह सकता है बारिश में।
और दूसरा भी कुछ कंबल, जैसे कोई तंबू हो गया, तंबू भी मिल जाए फिर भी बहुत बढ़िया बात है। कुछ तो आसरा हो गया है और आधा कुछ हो जाए, बस यही है। तो यहाँ पे आपने सुना लोग कैसे परेशान हैं, कैसी मुसीबतें झेल के वो यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से जल्द वो अपने घरों में फिर से जाके अपना निवास बनाए। जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।